जय हिंद। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक जान गए थे, 4.3 तक ख़त्म हो चुका था। इसके बारे में हम अब इसके बारे में जानेंगे, त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ठीक है। इसका परिभाषा जो होता है, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, कहते हैं। संलग्न आकृति यहाँ पर जो दिया हुआ है, संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज को देखिए। देखने के बाद हम त्रिभुज ए बी सी के लिए संकेतिक मतलब संकेत के रूप में कोण ए कोण बी कोण ए कोण बी कोण सी में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है, और इसमें कितने कोण हैं। तो देखिए, तीन कोण हैं इस त्रिभुज में, तीन भुजाएं हैं। कौन कौन है? तो ए बी एगो भुजाएं हो गया, पूरा ये जो लाइन दिखा रहा है, फिर ए बी के बाद ये बी सी एगो भुजाएं हो गया, फिर एगो ए सी एगो भुजाएं हो गया। इसके तीन कोण भी हैं, कोण ए ओ सी यानी कि ए बी सी यानी ए कोण, और ये कोण को लेना हो तो बी ए सी तो ये कोण हो जाएगा, और ये कोण को लेना हो तो बी तो इसके ए सी बी या बी सी ए, तो ये तीन वो कोण हो जाएगा। उसी तरह पर कह रहे हैं तो त्रिभुज के क्या शीर्ष भी कहलाएंगे। शीर्ष क्या है? तो शीर्ष ए शीर्ष बी शीर्ष सी, ये जो कॉर्नर है इसे शीर्ष कहा जाता है। तो तीन देखो, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। और आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे आपकी तीन इसका माध्यिका भी होती है जो शीर्ष से लंब डाला जाता है, तो बाद में आगे के विषय हैं। अभी इतने याद रखने के, तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होते हैं एक त्रिभुज के अंदर। अब यहाँ पर एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अंतर्भाग होता है। देखो, यहाँ बहुभुज होने के कारण क्या है, एक ये जो अंदर है ये उसको बोलेंगे अभ्यंतर, और जो बाहर है आर जो बाहर है इसे बोलेंगे बहिर्भाग और एक, ठीक है। तो बहिर्भाग और अभ्यंतर में होता है, संलग्न आकृति में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, कि पी जो है अभ्यंतर में यानी कि अंदर है, और आर जो है वो बहिर्भाग में स्थित है, और क्यू जो है वो स्वयं त्रिभुज पर स्थित है। क्यू जो है ये स्वयं त्रिभुज के ऊपर स्थित है, पी अंदर में है और आर बाहर है। इस तरह आप लोग प्रश्नवली में ये जो दिया है 4.4 इसको बना सकते हैं आप लोग। इसके साथ इसमें ही पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु पी अंकित कीजिए, इस तरह का अभ्यंतर में अंदर भाग में और उसके बहिर्भाग यानी बाहर भाग में एक बिंदु क्यू अंकित कीजिए, और बिंदु ए इसके अभ्यंतर में इसके मतलब एगो बहिर्भाग में पी, ठीक है, और क्यू को आप मतलब बहिर्भाग में अंकित कीजिएगा, पी को अंदर भाग में और ए को उसी के ऊपर स्थित करके एगो बना देना है, इसी टाइप का चित्र बना देना है। मतलब यही इसका मतलब आंसर हो जाएगा, लेकिन अपने से प्रयास करना है बनाने का, ठीक है। तो इसी तरह दो है कि संलग्न आकृति में तीन भुजाएं की पहचान कीजिए और सात कोणों के नाम लिखिए, ठीक है, और मतलब बी ए में क्या करना है कि त्रिभुज की पहचान करना है, त्रिभुज कौन कौन से हैं, कितने त्रिभुज हैं, और बी में किया है कि सात कोणों के नाम लिखे, इसमें सात कोण हैं, और सी में कह रहे हैं कि इसी आकृति में छः रेखाखंडों के नाम लिखिए, और डी में कह रहे हैं कि इन दो भुजाओं में बी अभ्यंतर हैं, बी उभयनिष्ठ है, बी यानी कि दोनों में शामिल है, किन दो कोणों में शामिल है बी, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर यहाँ से ले हम तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, फिर ए डी बी दो गो त्रिभुज हो गया, फिर ए डी सी तीन गो त्रिभुज हो गया। अब रेखाखंड भी लेंगे तो ए बी ए गो रेखा हो गया, और ये बी सी दो गो रेखा हो गया, और ए सी तीन गो हो गया, और ए डी चार गो हो गया, ठीक है। तो ये चार इसमें जो हैं रेखाएं हैं, और इस त्रिभुज के लिए तो डी सी एगो रेखा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और इस त्रिभुज के लिए लेंगे तो बी डी एगो रेखाएं हो जाएगा। तो इस तरह कर रहे हैं कि अब सात कोण कर रहे हैं, देखिए ए बी डी यानी कि ये कोण आ जाएगा एक, फिर ये ए बी ए डी ये कोण आ जाएगा दो गो हो गया, और ये हो जाएगा डी ए सी तीन गो हो गया, और फिर डी सी ए ये चार गो हो गया, और फिर अब ये कोण लेंगे तो डी ए डी सी तो ये कोण हो जाएगा पाँच गो हो गया, और फिर ये कोण लेंगे तो बी डी ए ये तो ये हो जाएगा, तो ये छः गो कोण हो गया, और फिर ये कोण नहीं लिए है तो फिर ये डी बी ए तो ये सात गो कोण हो गया। इस तरह आप कोण का जो है नाम लिख सकते हैं, इसमें जितने कोण हैं।
तो उसका नाम लिख सकते हैं। और दिखाना है यह 6 नंबर के, 6 रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो 6 रेखाखंड हो रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 रेखाखंडों के नाम लिखिए। इसमें 6 दिया है, इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो 6 रेखा ऐसे होगा क्योंकि ये जो एडी रेखा जो है ये दोनों में शामिल है। तो एक तो ये त्रिभुज के लिए हो जाएगा 3 गो, और एक ये त्रिभुज के लिए 3 गो हो जाएगा। तो इस तरह 6 गो जो है इसमें भुजाएं रेखाखंड हो जाएंगे, ठीक है, 6 गो रेखाखंड हो जाएंगे। ऐसे काउंट करोगे तो 5 ही होगा, लेकिन एगो ये त्रिभुज बनना है और एगो ये त्रिभुज बनना है। एगो त्रिभुज में 3 रेखाएँ होती हैं, तो इसमें भी 3 रेखाएँ होंगे, तो दोनों मिलाकर 6 रेखाएँ हो जाएंगी। और किन 2 त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ हैं, तो इस त्रिभुज में यानी कि बी ए डी में और बी ए डी में बी शामिल हैं और जो है ए बी सी, इन 2 त्रिभुजों में बी क्या है, शामिल है, उभयनिष्ठ मतलब शामिल है। देख लो, अब यहाँ से ए बी डी लोगे तो एक ये त्रिभुज बन गया, और ए बी सी लोगे तो ये होगा, यानी कि दोनों में जो बी क्या है, बी शामिल है। तो इस तरह इसको भी बना लोगे। अब चतुर्भुज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज खत्म हो गया। चतुर्भुज का भी परिभाषा उसी तरह होता है कि 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटल। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटल यानी कि चतुर्भुज के बारे में हम जानेंगे। तो 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज यानी कोऑर्डिनेटल कहलाता है। इसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। एक त्रिभुज की ही तरह आप इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं। जैसे त्रिभुज में देखे थे उस विधि को देखिए, जिस क्रम में चतुर्भुज के शीर्षों के डी नाम दिए जाते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी जो यहाँ पर दिया है, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज ए बी सी डी आकृति दिए गए हैं 4.23 की। 4 भुजाएं हैं इसमें, 4 भुजाएं हैं। जैसे ए बी एगो भुजा हो गया, फिर बी सी एगो भुजा हो गया, फिर सी डी एगो भुजा हो गया, फिर डी ए एगो भुजा हो गया। तो 4 भुजाएं होंगे इसे, और इसके कोण भी 4 होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। जहाँ पर कोण बना रहे हैं, कोना बना रहे हैं ना, उसी को कोण बोलेंगे। तो 4 को कोना बना रहे हैं, तो इसलिए 4 को कोण हो जाएंगे इसके, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी बनाया है, यह चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है चतुर्भुज। और क्या यह चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, ये पूछा है, तो ये भी है, ये भी चतुर्भुज है, और पी पी क्यू आर एस। तो ये जो है, ये चतुर्भुज जो दिया है, ये लाइन बाई लाइन ये विकर्णों को मिला कर दिया है, लेकिन ये भी एक चतुर्भुज ही है, ठीक है। तो किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं, क्या आप आसन भुजाओं के युग्म लिख सकते हैं। तो आसन भुजाएं हैं तो उसका युग्म भी लिख सकते हैं। जो आसन भुजा का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में शामिल है। तो ए बी और बी सी, जैसे मान लो कि ए बी और ये बी सी क्या है, ये आसन भुजाएं हैं। तो यहाँ से जो आसन भुजा है वो बी डी होगा, बी डी जब यहाँ से यहाँ तक बी डी जगह आसन भुजाएं होंगे, तो उसे वही यहाँ से लेकर तक खींच देंगे, वही आसन भुजाएं होगी। उसका युग्म लिख सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब उसको मिला है। अब इस त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में ए बी और बी डी, ये ए बी और डी सी सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखो क्या करें कि ए बी और डी सी क्या है, सम्मुख भुजाएं, मतलब एक दूसरे का सम्मुख हैं, आमने सामने हैं, तो ये सम्मुख भुजाएं हैं इस त्रिभुज में। तो सम्मुख भुजाओं के अपोजिट साइड्स, ठीक है, तो सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्म के नाम लिखिए। तो एक वो तो ये लिख दिया है कि ए बी के सम्मुख भुजाएं हैं बी सी, अब अन्य लिखना है तुम्हें, तो लिखेंगे बी सी का सम्मुख क्या है, ए डी, यानी इसके समूह ये हैं, तो इसके समूह ये होगा। तो एक वो अपने से ये बात लिखना है। अब इसके नीचे दिया है कि कोण ए और कोण सी, चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण है। अब कोण के बात किया जाए तो इसके सम्मुख आमने सामने ये है, ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है, तो इसका सम्मुख कोण ये होगा। तो कोण ए का सम्मुख कोण सी होगा, और इसी तरह कोण डी का सम्मुख कोण बी होगा। तो इस तरह आप इसको भी देख सकते हैं, बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसे जो है कोण ए और कोण सी, ये चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण और इनके अपोजिट साइड्स कहलाते हैं। और इसी प्रकार कोण डी और कोण बी भी सम्मुख कोण हैं। स्वाभाविक है कि कोण ए और कोण बी आसन कोण यानी कि एडजस्ट
एंगल हैं, अब आप आसन कोणों के अन्य युग्म लिख सकते हैं, यानी कि जो बचा हुआ है उसका आप लिख सकते हैं। ए बी का सम्मुख कोण हो गया, ए सी का सम्मुख कोण ये, ए का सम्मुख सी, तो बी का सम्मुख डी, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन, अब ये इसका जो है प्रश्न वाली ये बना सकते हैं, इसी का आधार पर इसमें भी पूछेगा कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, मतलब अपने से वो चित्र खींचना है, पी क्यू आर एस नाम दे देना है उसको, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी दिया है, इसके विकर्ण खींचिए, तो विकर्ण खींचेंगे क्या, तो तिरछा, यहाँ से इसका विकर्ण खींचा तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तिरछा खींचेंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। अर्थात दो सम्मुख कोणों को अगर हम मिला दें, ये इसका सम्मुख ये है, दो कोणों, दो कोण, दो सम्मुख कोणों को मिला देने पर क्या होता है, वही विकर्ण हो जाता है। तो उस तरह आप खींच सकते हैं, और इनके नाम लिखिए, तो नाम लिखेंगे क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित हैं या बहिर्भाग में स्थित हैं। तो विकर्णों का जो प्रतिच्छेद होता है वो तो अंदर ही होता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा और यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, तो लिखेंगे कि हाँ इनका जो प्रतिच्छेद यानी कि इन दोनों को जो काटेगा बिंदु वो अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी होगा, बिंदु अभ्यंतर में स्थित, तो वही लिख देना है। दूसरा क्या पूछा है कि चतुर्भुज के एल एम एन, अब इस एगो चतुर्भुज लेना है और उसका नाम के एल एम एन दे देना है, ठीक है। तो और उसमें बताना है कि सम्मुख भुजाओं के दो युग में, तो सम्मुख भुजाओं के दो युग क्या होगा, मान लो कि ये ऐसे ही चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं का, तो डी सी का सम्मुख भुजा ए बी है, और अगर ऐसे लेंगे तो बी सी का सम्मुख भुजा ए डी है, तो उसी तरह पूरा बनाकर सम्मुख भुजाओं का युग लिख देना है। फिर कोणों का युग लिख देना है, तो कोण लिखेंगे तो इसका इस कोण डी का सम्मुख कोण बी होगा, कोण ए का सम्मुख कोण सी होगा, तो इस तरह कोण लिख देंगे। इस तरह अब आसन कोणों के युग लिख देंगे, क्या आसन कोणों के युग लिख देंगे, तो यहाँ पर दिया है सी में आसन भुजाओं के कोण लिखे, तो आसन क्या होता है, ए बी और बी सी, यानी कि ऐसा मतलब कोण लेना है जो एक बिंदु उसमें शामिल, दोनों में शामिल हो, तो ए बी इस भुजा में भी बी शामिल है, और बी सी लेंगे तो इस भुजा में भी बी शामिल है, तो क्या होगा, ये आसन भुजा होगा, ठीक है। तो इसी तरह दिया देखा, देखो किसी ए बी सी डी में ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं, तो देखो ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं। इसी तरह आपके एल एम एन लेंगे तो उसमें से आप देख सकते हैं कि आसन भुजाएं कौन कौन है, तो उस तरह आप लिख सकते हैं, देखो ए बी और बी सी ये एक आसन भुजा हो गया, और फिर ए डी और डी सी ये हो गया आसन भुजाएं, अगर ऐसे लेंगे तो डी सी और सी बी, और ऐसे अगर लेंगे तो ए डी और बी सी, इस तरह चार आसन भुजाएं भी हो जाएंगे, तो ये भी सी नंबर हो जाएगा। अब कर रहे हैं आसन कोणों के युग में लिखें, तो आसन कोण भी लिख सकते हो, आसन कोण मतलब कि जो, तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक कोण आसन कोण होगा, जैसे इसमें आसन कोण क्या है, देखो कोण ए कोण बी, तो कोण ए कोण बी ये आसन कोण है, उसी तरह कोण सी कोण डी भी आसन कोण है, इस तरह ये भी आप खींच सकते हैं उसको। इसके बाद खोज कीजिए, पटिया और उन्हें बांधने की वस्तुओं लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए, ठीक है, त्रिभुज बनाइए और चतुर्भुज बनाइए, और त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए, यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए, क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ, क्या त्रिभुज एक दृढ़ यानी रिजिड आकृति है, रिजिड यानी कठोर आकृति है, दृढ़ आकृति है, क्या कारण है कि विद्युत टावरों इलेक्ट्रिसिटी टावर्स जैसी संरचना में त्रिभुज आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं, तो त्रिभुज आकारों का इसलिए किया जाता है कि ऐसे बैंडिंग होता है, ये इस पर जोड़ देते हैं और ये इस पर जोड़ देते हैं, ना ये इसको भरने देगा ना ये इसको भरने देगा, इसीलिए टावर को ऐसे ज़्यादा त्रिभुज आकार दिया जाता है ताकि ये मजबूत होता है, क्योंकि आप अगर पटरी लेकर तीन गो ऐसे करके आप करेंगे तो कोई किसी से दबेगा नहीं, क्योंकि सबका सपोर्ट अगल बगल से मिलता है। इस तरह आप इसको खोज करना है, नहीं कि इसको एक्स्ट्रा अपने मैथ के हिसाब से सोचना है क्यों ऐसा होता है। अब हम देख लेते हैं वृत्त के बारे में, वृत्त यानी कि सर्किल होता है, तो आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे कि पहिया चोड़ी सिक्का इत्यादि जो हैं गोल होती हैं, तो हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है, ठीक है, जैसे कि भारी मतलब गोल रहेगा तो उसे उठाने से सही है कि उसको लुढ़काने या कि डगरा कर ले जाने में क्या होता है, आसानी होता है। तो वृत्त सर्किल एक सरल बंद वक्र है,
ठीक है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा ही है, गोल है तो भी टेढ़ा मेढ़ा ही है। तो एक सरल जो है बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है, इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। तो ये बहुभुज में नहीं आएंगे, ये सर्किल एक इसका विशेष गुण होता है, ये एक अलग विषय है। तो देखते हैं सर्किल के बारे में। तो इन्हें कीजिए यह है कि एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को कागज़ पर रखिए और उसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। जैसे ये बनाया है ना, यह बीच में रख दिया है और एक आरी पर ऐसे घुमाकर एक वृत्ताकार यानी कि वृत्त की रचना किया है। तो आप भी बनाइए, यदि आपको एक वृत्ताकार बाग बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप मतलब कैसे करेंगे। तो दो डंडी और एक डोरी लेंगे, है ना, यानी कि दो डंडा ले लेंगे और एक डोरी लेंगे, तक ऐसे रखकर ऐसे खींचने में आसानी होगी, है ना। भूमि पर एक डंडी को गाड़ दीजिए और यह खींचे जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा, सेंटर होगा, जो उसको गाड़ेंगे। सेंटर मतलब बीचों बीच, यानी कि उससे दूरी जो होगा सबका दूरी बराबर होगा, उसे सेंटर बोलेंगे। डोरी के प्रत्येक सिरे पर एक फंदा यानी कि लूप बनाकर दो फंदे प्राप्त कीजिए। एक फंदे को केंद्र वाली पहली डंडी में डाल दीजिए और दूसरे वाले फंदों को डंडी लीजिए। इसे डंडी को भूमि को ऊर्ध्वाधर रखिए, तनी हुई रखते हुए डंडी को घुमाकर एक हफ्ते के वृत्त बना सकते हैं। वही जो हम लोग नहीं बनाते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त में जो पाइप होते हैं, पाइप बांध देते हैं डोरी और एक लंबा डंडी बांधकर उसके चारों तरफ घुमा देते हैं तो वृत्त बन जाता है। और जो बीच में पाइप होते हैं वो सेंटर में आ जाता है, यानी कि केंद्र में आ जाता है। उससे सारे दूरियाँ क्या होती है, बराबर होती हैं, जो अंतिम दूरी होती है उससे। तो उसी तरह खींचने का ये उपाय बताया है, और कुछ नहीं है। स्वाभाविक है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर या समान दूरी पर है। तो जो ये केंद्र यानी बीच में जो बिंदु होते हैं, बिंदु से जितना भी ये सब दूरियां हैं उसमें उस सारे बिंदु से ही मिलकर बने हुए हैं, वो सारे समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब वृत्त के भाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं। संलग्न आकृति 4.24 में आकृति सी, यहाँ पर सी क्या है, सी वाला जो है एक वृत्त है, ये केंद्र सी है और एक ये वृत्त है। और यहाँ पर ए पी बी एम वृत्त पर स्थित कुछ बिंदुए हैं। अब देखो यहाँ पर दिया ना ए पी बी एम, ये क्या है, वृत्त पर स्थित कुछ बिंदुए हैं। आप देखेंगे कि सी ए या सी ए सी बी सी पी और सी एम, ये सब की दूरियाँ क्या हैं, प्रत्येक रेखाखंड जो है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, यानी केंद्र से ये परिधि बोलते हैं पूरा घेरा को। तो केंद्र से ये परिधि को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या बोलेंगे। इसे इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, केंद्र से यानी सेंटर से परिधि को मिलाने वाले रेखा को हम त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है, ठीक है। वृत्त पर स्थित बिंदु जो ये क्या है, वृत्त पर बिंदु स्थित है और क्या करता है, केंद्र से जोड़ता है, उसी को त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। इसी आकृति में सी पी और सी एम ऐसी त्रिज्या हैं, बिंदु पी सी एम एक ही रेखा में स्थित हैं, नहीं एक ही रेखा में है। तो रेखाखंड पी एम, देखो रेखाखंड पी और एम ये पूरा हो गया, दो त्रिज्या हो रहा है यहाँ से और यहाँ से। तो पी एम वृत्त का एक व्यास यानी कि डायोमीटर कहलाएगा। अब ये जो दो त्रिज्या जो मिलाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये आमने सामने, तो डायोमीटर कहलाएगा यानी कि व्यास कहलाएगा। और ये सबसे बड़ी रेखा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है व्यास, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डायोमीटर बोलते हैं। तो क्या वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का दोगुना है, तो है, देखो त्रिज्या का दोगुना है, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या है और यहाँ यहाँ से भी त्रिज्या है और दोनों को मिला दिया तो दोगुना हुआ है, एक और एक दो हुआ, यानी कि त्रिज्या क्या होता है, डायोमीटर का दोगुना होता है। हाँ, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा यानी कोर्ड कहलाता है। अब देखो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जीवा कहलाएगा, जीवा मतलब मान लो कि ऐसे 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 लाइन खींचा रहेगा ना, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाला वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला। तो जैसे कि देखो यहाँ पर जीवा कौन कौन सा हो जाएगा, तो पी और बी, ये क्या है जीवा है ऐसे, और ए और यहाँ पर मान लो डी ले लेंगे तो ए भी एक जीवा ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा जीवा होता है इसलिए इसका खास नाम होता है व्यास बोलते हैं, जिसे डायोमीटर बोलते हैं। और जीवा बहुत सारे होते हैं, ये ऐसे ऐसा जितना खींचते जाओगे वो सारे जीवा हैं, ये भी एक जीवा ही है व्यास, लेकिन ये सबसे बड़ा जीवा है इसलिए इसको खास नाम से याद रखा जाता है। आप केंद्र से होने वाली अब कैसे भी खींचिए, ऐसा ऐसा बस केंद्र से जो होकर जाएगा वो जीवा कहलाएगा, लेकिन वो व्यास के रूप में जाना जाता है जो सबसे बड़ा होता है। तो केंद्र से होकर कोई एक ही रेखा जाएगी, ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, लेकिन केंद्र से होकर ही जा रही है, तो इस तरह को हम डायोमीटर बोलते हैं।
ये समझ गए, जीवा समझ गए। अब इस प्रकार पीवी वृत्त की एक जीवा है और पीवी क्या है, एक जीवा है। अब यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये जीवा बन जाएगा। तो इसी तरह पीएम भी वृत्त की जीवा है, अब वहाँ समझ दिया है। इसी तरह ये भी है। तो अब देखो यहाँ वृत्त के भाग में चाप यानी ए आर सी कहते हैं, यानी कि अगर चाप करेंगे तो ए आर सी कहेंगे, यहाँ पर आर ले लेंगे तो ए आर सी कहेंगे। वृत्त पर बिंदु जो है पी क्यू वृत्त पर स्थित है, पी क्यू वृत्त पर स्थित है, तो आप चाप पी क्यू यानी कि पी क्यू ऐसे चाप जो कितने हैं प्राप्त होगा, और पी क्यू के व्यक्त करते हैं आकृति 4.25 में, इसमें दिखाया गया है 4.25 में। किसी सरल बंद वक्र की ही तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं संगत चाप से खिसकर बनता है एक त्रिज्या खंड कहलाता है। अब देखो यहाँ पर दो जीवा से मिलाकर अब एक सेटर मिलाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है, ठीक है, वृत्त खंड, ठीक है। अब उसी तरह देखो, अब यहाँ से दो जीवा ले लेंगे, यहाँ से दोनों केंद्र से मिला लेंगे, तो ये अगर काट कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा। मतलब जैसे खरबूजा कैसे काट कर निकाला जाता है, तो भी एक वृत्त टाइप के होते हैं, निकालते हैं तो निकल जाता है, तो वही त्रिज्या खंड होगा। और दो जीवा का अगर ऐसे काट दे लंबा, तो ये जो यहाँ से जो चाप ऐसे काटे हैं, ऐसे मिलाए हैं, तो इसको वृत्त खंड बोलेंगे, यानी कि वृत्त को खंड किया जा रहा है, और वो त्रिज्या खंड किया जा रहा है, यानी कि त्रिज्या को काट कर अलग किया जाता है, ये त्रिज्या खंड यानी सेक्टर हो जाएगा और इस सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो कोई भी वृत्त एक वस्तु लीजिए, एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के अनुदिश एक बार रखकर धागे की लंबाई को मापिए। धागे की यह लंबाई उस वस्तु के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी यह लंबाई व्यक्त करती है, ठीक है। मतलब एक बिंदु पर रखेंगे और रखने के बाद ये जो है एक बिंदु पर रखकर सारे लोग घुमाएंगे तो वो पूरा दूरी मतलब उसका परिधि बताएगा। तो वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी उससे उसकी परिधि यानी कि सर्कुलम फ्रेंस कहलाती है। अभी इन्हें कीजिए, एक वृत्ताकार सीट लीजिए, वृत्ताकार का सीट लीजिए, इसे मोड़कर इसे कर दे आधा कर देंगे, जैसे सीखा होता है ना, सीखा सीधा रहता है तो उसे मोड़कर ऐसा कर देंगे या गोल बनाकर ऐसे कर देंगे तो चित्र ऐसा हो जाएगा। ऐसा बनाइए, सीट को खोल दीजिए, क्या आप देखते हैं कि वृत्त क्षेत्र उसके व्यास द्वारा दो आधे बराबर भागों में विभाजित होते हैं, तो हो जाएगा, व्यास बन जाएगा, दो भागों में बांट देंगे तो वृत्त का एक व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। मतलब वृत्त को क्या करता है, व्यास दो बराबर भागों में बांट देता है, एक आधा ये और आधा ये हो जाता है, तो उसे अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल कहलाता है, वो जो ये बांट देता है। तो एक अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग होता है, अर्धवृत्त यानी कि वृत्त का आधा भाग होता है, भाग है जिसमें वृत्त का व्यास उसके अंत बिंदु को जोड़कर सम्मिलित नहीं है, ठीक है, अंत बिंदु को जोड़कर सम्मिलित नहीं है, उसके अंत बिंदु जो होते हैं वो जोड़कर सम्मिलित नहीं है। अब इस तरह अब ये बना लेंगे 4.6। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।